सपोज करो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है बोर्ड के इनसाइड, लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है बोर्ड के इनसाइड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो यहाँ पर प्रेजेंट है। आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल लिया क्यू और वी वेलोसिटी से उसको आगे प्रोजेक्ट किया, तो वी वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल आगे जाएगा, बट यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे क्या लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। कितनी लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू पी क्यू वी साइन जीरो। कैसे, वी ये रहा मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है तो एंगल क्या है, मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा। तो आप अभी हाथों को यूज ना करें, आप वैल्यू बताएं, बी क्यू वी साइन 90। कोई डाउट इसमें, बी क्यू वी साइन 90। डायरेक्शन की बात करते हैं, आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी कहां पर है, बोर्ड के इनसाइड, पहले फिंगर सही बना लो, बोर्ड के इनसाइड। वी कहां पर है, राइट, चार्ज पार्टिकल राइट, तो सेंट्रल फिंगर राइट, बी बोर्ड के अंदर, फोर्स कहां लगेगी, ऊपर। तो चेक करो यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कहां पर लगेगी, अपवर्ड करके देख लो, बी कैसे है, बोर्ड के अंदर, सेंट्रल फिंगर इधर, फोर्स ऊपर। अब चार्ज पार्टिकल को कहां जाना था, सीधा। अब सीधा जाते चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कहां लगी, ऊपर। अब वो सीधा तो जा ही रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊपर भी उड़ जाएगा, सीधा जाते जाते फोर्स ऐसे लगेगी तो ऊपर उड़ जाएगा, तो थोड़ा सा अपना रास्ता बेंड कर लेगा, सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा ऊपर उड़ जाएगा कि फोर्स कहां लग रही है, अपवर्ड। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही थोड़ा आगे गया अब वो इधर जाना चाहता है क्योंकि इसका रास्ता बेंड हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ने इसको, इसके रास्ते को सीधा जाने की बजाय ऊपर कर दिया, बेंड कर दिया। अब जब जैसे ही मुड़ा, मैग्नेटिक फोर्स तो अभी भी काम कर रही है, तो बी कहां पर है, बोर्ड के इनसाइड, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कहां है, ये रही सेंट्रल फिंगर, तो फोर्स कहां लग रही है, इस तरफ, तो ये फोर्स की वैल्यू ये लग गई, तो फोर्स ये लग गई। अब जाना इसको यहां था, फोर्स इसको इधर लग गई, तो थोड़ा सा और क्या हो गया, बेंड हो गया, तो और बेंड हो गया। अब वो चाहता है कि मैं इस तरफ चला जाऊं, मैग्नेटिक फोर्स अभी भी लग रही है, बी कैसे है, बोर्ड के अंदर, वेलोसिटी कैसे है, ये रही, तो फोर्स कहां लग रही है, इस तरफ, राइट, ऐसे। अब यानी कि जैसे वो स्टार्ट हुआ था, फोर्स ने रास्ता चेंज किया, फिर फोर्स ने रास्ता चेंज किया, फिर फोर्स ने रास्ता चेंज किया, फिर फोर्स उसको बेंड कर रही है, बेंड कर रही है, बेंड कर रही है, और अल्टीमेटली जब ये मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये देखो ये बेंड बेंड करते 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 क्या बना देगा, सर्कल। करके देख लो, ये देखो, ये आपके पास मान लो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है बोर्ड के इनसाइड, फर्स्ट फिंगर बोर्ड के अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स ऊपर, फोर्स ऊपर, जब यहां पे लगाऊंगा फोर्स इधर, जब यहां पे लगाऊंगा फोर्स इधर, जब यहां पे लगाऊंगा, ये देखो बी वी, फोर्स इधर, यहां पे लगाऊंगा, थंब हमेशा कहां आएगा, टुवर्ड्स सेंटर, जहां मर्जी लगा लो थंब सेंटर की तरफ आएगा, यानी कि हर वक्त ये चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कहां, टुवर्ड्स सेंटर। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये चार्ज पार्टिकल को क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल फोर्स कहां एक्ट करती है, टुवर्ड्स सेंटर, तो पार्टिकल किस में मूव करेगा, इन सर्कल। तो एक रिजल्ट आ गया, क्या रिजल्ट आ गया, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, तो उसका पाथ हमेशा क्या रहेगा, सर्कल। क्या ये पॉइंट क्लियर है, और क्यों सर्कल समझ में आ रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स उसको कहां एक्ट करती रहेगी, टुवर्ड सेंटर, एंड क्या प्रोवाइड करती रहेगी उसे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये रिजल्ट क्लियर है, ठीक। अब इसके अंदर, इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, हेयर मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, और पार्टिकल किस में घूम रहा है, सर्कल में, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या चीज चेंज कर रही है, पार्टिकल की डायरेक्शन। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूं, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स में मूव करता है, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू
उसके डायरेक्शन तो चेंज कर सकती है, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं कर सकती। तो अगर यानी कि चार्ज पार्टिकल इस केस में 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स इसका सर्कल बना देगी, पर हर वक्त स्पीड की वैल्यू क्या रहेगी, 2 मीटर पर सेकंड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसी नहीं थी। इलेक्ट्रिक फोर्स जब चार्ज पार्टिकल पे लगती थी तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सेलरेशन जनरेट करवाती थी QE/m, और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ाती थी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकती है, पर मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं कर सकती, सिर्फ क्या चीज चेंज कर सकती है, उसकी डायरेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स चेंजेस डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स सेम।